यस बहुत बहुत नमस्ते, वेलकम अर्चना जी। आप हमें एक बहुत ही नए एक जर्नी पे लेके गई हैं भक्ति योग के साथ, और बहुत अच्छे तरह से हमने 13 श्लोक पिछले हफ्ते सुने और भक्ति योग के कई आयाम, कई तरीके देखे, श्री कृष्ण कैसे बता रहे हैं। तो आज हम आगे चलते हैं। नमस्ते, वेलकम सभी मास्टर्स को, और खासकर अर्चना जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो ओवर टू यू मैम, एंड वेलकम। नमस्ते, थैंक सभी को आत्मवंदन। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, मुझे ये मौका देने के लिए। तो जैसा कि हम गीता का श्लोक का पठन कर रहे हैं, अर्थ सहित उसका अनुवाद कर रहे हैं और उससे हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो आज का गीता पठन शुरू करने के पहले मैं अपने गुरु पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारे गुरु, सारे ऋषि महर्षि, गुरु आनंद मूर्ति, गुरु माँ, जितने भी गुरुजन हैं सबको कोटि कोटि नमन। सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इतना सुंदर ज्ञान हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ओम की साधना से शुरुआत करते हैं। हम 3 बार ओम का गुंजन करेंगे, तो आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस। एक बार और लंबी गहरी सांस और ओम का गुंजन। पूरा ध्यान नाभि पर। एक बार और करेंगे। चलिए अब प्रार्थना से हम शुरुआत करते हैं। तो सबको अनम्यूट कर दीजिए, सब लोग साथ बोलेंगे। ठीक है मैम, जो मैं ही अनम्यूट हो रही हूँ सर, ये चैट में डाला हुआ है। वसुदेव सुतन देवं कंस चानुर्मर्दनम्, देवकी परमानंदम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथ में प्रार्थना करने के लिए। तो चलिए अब श्लोका पे हम आते हैं। 14th श्लोक क्रमांक 14। यस मैम, ये अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, समदुःखसुखक्षमी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढनिश्चयः, मय्यर्पणमस्तु
पितामनो बुद्धिः यो मद्भक्त समे प्रियः। जी मैम, आप बताएं। ओके, थैंक यू अनुराधा जी। ये 14वां श्लोक है। संतुष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मैं अर्पित मनो बुद्धि योर मद भक्तस्य समे प्रियः। इसका संतुष्ट, संतुष्ट मतलब संतुष्ट, पूरी तरह से संतुष्ट, जिसके अंदर संतोष है, हर चीज से संतुष्ट है, उसको संतुष्ट। सततम, सततम मतलब निरंतर, लगातार लगे हुए। यतात्मा, यतात्मा मतलब आत्मसंयत, आत्मसंयमित, दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय वाला। मैं अर्पित मनोबुद्धि मतलब मुझ में मन और बुद्धि, मनोबुद्धि मतलब मन और बुद्धि दोनों मुझ में समर्पित करने वाला। मद भक्त मतलब मेरा भक्त, मुझे प्रिय है मतलब मुझे प्रिय है। अब इसमें, इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं कि जो ध्यान योग में युक्त हुआ, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट, ना लाभ में उसको कोई हो रहा है खुशी कि मैं बहुत लाभ हो गया, बहुत हर्ष हो रहा है, ना तो हानि में वो बहुत दुखी है, लाभ और हानि दोनों में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, जिसका मुझ में ही दृढ़ निश्चय है, पूरी तरह से मुझ मेरी मेरे में ही दृढ़ निश्चय है, वह मेरे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो पूरी तरह से अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को अर्पित कर दिया, ऐसा भक्त वो कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मतलब एक भक्त में ये सब गुण होने चाहिए कि वो ध्यान योग, ध्यान, मन और इंद्रियों सहित शरीर को भी वो बस में रखे, शरीर भी उसके बस में रहे, जिसके मन, इंद्रिय और शरीर ये तीनों चीजें उसके नियंत्रण में हो, तभी ऐसी स्थिति होगी कि वो भगवान को अपना मन, बुद्धि सब कुछ समर्पित करेगा, और वैसा भक्त ईश्वर को, कृष्ण भगवान को प्रिय है। कृष्ण कहते हैं कि जिसके मन, बुद्धि, शरीर तीनों बस में हो, जो लाभ हानि में संतुष्ट है, यश अपयश में संतुष्ट है, यश मिले तो भी वाह वाह, अपयश मिले तो भी वाह वाह, वही भक्त है, वही मुझे प्रिय है, वैसा ही भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा नहीं कि लाभ हुआ तो बहुत खुश हो गया, हानि हुआ तो हाय मैं दुखी हूँ, भगवान ने क्या कर दिया, हानि कर दिया, तो ऐसा ये भक्ति है ही नहीं। लाभ और हानि दोनों में संतुष्ट होना चाहिए, यश और अपयश दोनों में संतुष्ट होना चाहिए। तो अगर आप भगवान के प्रिय होना चाहते हो, तो प्रिय होने के लिए जो सारे गुण होने चाहिए, उन गुणों पर आपको काम करना होगा। हम सभी को अपने ऊपर काम करना होगा कि हमारा हर हर चीज में हम एक्सेप्टेंस भाव में रहें, स्वीकार करें। अगर दुख आता है, अपयस आता है, तो डैट मीन्स ये हमारे पुराने कर्मों का जो हिसाब किताब है वो चुकता हो रहा है, और वो चुकता करके ईश्वर हमें आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर आपका हमेशा भला चाहते हैं, कभी आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। बुरा होने के लिए आप इस धरती पे आए ही नहीं हो, अब आए हो आगे की पाठ सीखने के लिए। अब बच्चे को ही देख लो, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा कष्ट सहे, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चा उनका आगे बढ़े। बच्चे को अगर ठंड में, जैसे स्कूल जाने में तकलीफ भी होती है, तो तब भी हम चाहते हैं कि नहीं बच्चा स्कूल जाए, ताकि वो ज्ञान सीखेगा, वो कुछ पढ़ना लिखना सीखेगा, ताकि थोड़ा पढ़ना लिखना सीखेगा तो बुद्धि उसकी थोड़ी तीव्र होगी। तो इस प्रकार हम सभी, जैसे हम सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, उसी तरह हमारे जो परम पिता परमेश्वर है, वो भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, सभी आगे बढ़ो। इसलिए ना तो कोई दुख है, ना तो कोई सुख है, हम सब एक लेसन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस धरती पे आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि
मेरे भक्त के हृदय में संतोष सदा रहता है, सदा रहना ही चाहिए, वैसा ही भक्त मुझे प्रिय है। उसका हृदय हमेशा परिपूर्ण रहता है, उसमें कोई तृष्णा नहीं रहती कि ये मिल जाए तो खुशी, ये मिल जाए तो सुखी, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो हमेशा तृप्त रहता है, वो सदा प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, और शरीर के निर्वाह हेतु भी उसे अगर अनिवार्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो तब भी उसके मन में पूर्णता का ही भाव रहता है, कोई अभाव उसके मन में नहीं आता। वह बहुत कम वस्तु में, अल्प वस्तु में ही संतोष कर लेता है कि इतना मिल गया ना, उसके लिए ही वो धन्यवाद करता है। जैसे शरीर के लिए अनिवार्य चीज क्या है, जैसे भोजन और वस्त्र के अभाव में भी वह शिकायत नहीं करता कि हाँ मुझे भोजन नहीं मिला, हाँ मुझे वस्त्र नहीं मिला। वो इन सब परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, कलकल नहीं मचाता, और वो सतत हमारे ध्यान में, मेरे ध्यान में स्थिर रहता है। उसका मन सदा सर्वदा हमारे ऊपर ही चिंतन करता रहता है, हमारे ऊपर ही लगा रहता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो योगी के बारे में बता रहे हैं कि जो सदा युक्त है, समभाव में रहने वाला है, वो योगी है। दुख आए तो भी बाहबा, सुख आए तो भी बाहबा, ऐसे स्थिति में जो समभाव रहने वाला है वो उत्तम योगी है। उसने सब इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय पा ली है। पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में उसने दृढ़ संकल्प द्वारा अपने मन और बुद्धि को मुझ में एकाग्र कर लिया है, पूरी तरह से एकाग्र कर लिया है। कहते हैं कि आत्मा की मूल प्रकृति के विषय में वह दृढ़ संकल्प है, ये दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मैं अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर दिया हूं। तो इस प्रकार वो भगवान बता रहे हैं। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा सा गांव था, और उस गांव में एक दिन बहुत हलचल मच गई। हलचल किस बात पे मची कि उस गांव में एक अविवाहित स्त्री थी, वो गर्भवती हो गई। तो उसके परिवार के लोग, समाज के लोग पूछते हैं कि तुम्हारी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है, तू किस पुरुष के संग रही है, यह सब तेरी इच्छा से हुई है या तेरी इच्छा के विरुद्ध हुई है, तू उस व्यक्ति का को पह अब वो स्त्री जो रहती है वो डर जाती है, डर के मारे वो अपनी प्रेमी का नाम नहीं बताती कि लोग उसको मार डालेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन उस पर इतना दबाव दिया जाता है कि वो गांव के किनारे एक महात्मा रह रहे होते हैं, उनका नाम ले लेती है और कहती है कि वही महात्मा जिम्मेदार है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी प्रेमी को तो ये लोग मार डालेंगे और महात्मा को तो ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए उस महात्मा का नाम ले लेती है। अब सब लोग उस महात्मा का बड़े आदर करते थे, सत्कार करते थे, उनके पास सत्संग सुनने जाते थे, उनकी सेवा करते थे। तो सब लोग उस महात्मा के पास पहुंच गए और लड़ाई करने लगे, और जो बच्चा हुआ था उस कन्या का, उस बच्चे को लेकर उस महात्मा की गोद में रख दिए और कहा कि लो ये तुम्हारा बच्चा है, तुम इसे संभालो, तेरा जो ये साधु का रूप है ये देखकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं तो नहीं पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करता, तुम साधु बन के इतने बड़े पापी हो ये हमने सोचा नहीं था, संभालो तुम इस बच्चे को। और ऐसे करके वो गांव वाले चले आते हैं उनको गालियां देकर, बुरा भला कहकर। अब ये महात्मा बच्चे को उठाते हैं, उनको कोई जवाब नहीं देते, बच्चे को उठाते हैं और पूरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं कि कुछ भिक्षा दे दो, तो कोई इनको भिक्षा नहीं देता, सब लोग दरवाजा अपने द्वार का द्वार बंद कर लेता है। बच्चे के लिए कहीं दूध भी नहीं मिल रहा होता है, बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने की आवाज आती है, बच्चा को लिए महात्मा घूम रहे होते हैं, और घूमते घूमते उस स्त्री के दरवाजे पे पहुंचते हैं, घर के पास पहुंचते हैं जिसका ये बच्चा था। रोने की आवाज वो स्त्री सुनती है तो वो बाहर निकलती है। सारे लोग जो भी है वो महात्मा को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी उनकी बच्चे की चीख पुकार सुन के उसको दूध नहीं देता है।
फिर वो स्त्री बाहर निकलती है और उससे बच्चे का रुदन देखा, रोना देखा नहीं जाता है। वो बाहर निकलती है और महात्मा के चरणों में गिर जाती है, कहती है, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया। सारा गांव इकट्ठा हो गया था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे प्रेमी को वो लोग मार डालते, इसलिए मैंने उसको बचाने के लिए आपका नाम ले लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। रोने लग जाती है और बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। उसी समय गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया, झूठ बोला, और हमने इस स्त्री के वचनों पर भरोसा किया, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। तो महात्मा बोले, ये बच्चा ले उन लोगों ने ले लिया। और फिर वो पूछते हैं कि आपने क्यों कुछ नहीं बोला, आपने कुछ बोला क्यों नहीं कि ये बच्चा मेरा नहीं है या ऐसा। तो महात्मा कहते हैं कि अच्छा, उस समय तुमने बोला कि ये मेरा है, तो मैंने उसको ले लिया। अब तुम कहते हो कि ये मेरा नहीं है, तो मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ, ले जाओ। तुम लोग बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिए थे, तो मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो उसको मरने के लिए नहीं छोड़ देता। जिस माँ ने जन्म दिया, उसने भी बच्चे के लिए नहीं सोचा, उसने भी उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने रख लिया। अब तुम कहते हो यह मेरा नहीं है, तो अब मैं इसको ले लिया। तो इस तरह से कितना, इस कहानी से कितना कुछ सीखने को मिलता है कि वो महात्मा कैसे ईश्वर के प्रति समर्पित थे। उनके अंदर कितना संतुष्टता और समर्पण का भाव था कि हर परिस्थिति में वो संतुष्ट थे कि कोई नहीं, ये ईश्वर, ये सब कुछ है, ये आया है बच्चा तो मेरा, अगर तुम लोग कह रहे हो तो ये मेरा है, अगर तुमने ले लिया। तो वो दोनों स्थिति में संतुष्ट थे, बच्चा आया तो भी संतुष्ट थे, चला गया तो भी संतुष्ट थे, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर रखे थे। हम क्या करते, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, भगवान ने ऐसे कर दिया, भगवान ने वैसे कर दिया, कभी धैर्य पूर्वक रहते ही नहीं, विचार करते ही नहीं। वो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे नाम की बदनामी हुई, मेरा नुकसान हुआ, मेरा नाम का नुकसान हुआ, क्योंकि उनका मन बुद्धि सब परमेश्वर के साथ जुड़ा है। उनको पता है कि ना तो मैं, मेरा नाम तो मेरा ये नाम तो शरीर का नाम है, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, ना तो मैं मन हूँ ना बुद्धि हूँ। तो ये सारी बातें की जानकारी उनको है, इसलिए उन्होंने, उनके अंदर संतुष्टता है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो हर हालत में संतुष्ट है, जो विक्षिप्त नहीं होता, जो दृढ़ निश्चयी है कि मेरे जीवन को सत्य पर पथ पर चला रहा हूँ, वो संतुष्ट है कि मैं अपने जीवन को सत्य के राह पर चला रहा हूँ, मेरे से जितना हो सकता है अपने जीवन में साधना ला रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए अपने जीवन में साधना और सेवा को भरे हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कोई क्या कहता है, इससे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके जीवन में साधना है, सेवा है, भक्ति है, कोई क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तत्परता से अपने कार्य में लगे हुए है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सिर्फ गोविंद ही मेरा अपना है। जिसकी ऐसी विचारधारा है, वैसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कहते हैं कि हम सभी क्या करते हैं, अच्छी बातें लिखना जानते हैं, अच्छी बातें बोलना भी जानते हैं, लेकिन अच्छी बातों पे अमल करना नहीं जानते। अच्छी बातें बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन जब अमल करने की बात आती है तो हम कदम पीछे, वहीं पे हमारी पराजय हो जाती है, वहीं पे हमारी हार हो जाती है। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वहां पे हम विफल हो जाते हैं। असली परीक्षा यही है, असली परीक्षा जीवन की ही परीक्षा है। जब विपरीत परिस्थिति आती है, तब आपका मन कैसा रहता है, तब आपकी मनोस्थिति का क्या हाल रहता है, वही असली परीक्षा होती है। और वही आप ऐसे कितना भी कह ले कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े योगी हैं, हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, हम बहुत साधना करते हैं, बहुत त्याग की भावना है, लेकिन असली परीक्षा जब विपरीत परिस्थिति आती है, तभी उस साधक की असली परीक्षा होती है। और उसमें अगर वो सफल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर असफल हो जाए तो यानी उसको अपने ऊपर और कार्य करने की आवश्यकता है।
इसी प्रकार एक और स्टोरी से हम समझते हैं कि जैसे महात्मा बुद्ध का एक भिक्षुक था जिसका कि भगवान बुद्ध ने नाम रखा था अहिंसक। तो बुद्ध भगवान से मिलने से पहले उसी का नाम अंगुलीमाल था, आप लोगों ने सभी सुना होगा। वो बहुत बड़ा हत्यारा था और उसी का नाम अहिंसक था। तो अहिंसक को एक दिन भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ अहिंसक, तुम धर्म प्रचार के लिए अब तुम तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें उसी गांव में भेजना चाहता हूँ जिस गांव में तुम हत्या करते थे, लोगों को मारते पीटते थे, जहां तुम कत्ल करते थे, तुम वही जाओ। तो अहिंसक ने कहा कि हाँ ठीक है बुद्धदेव, मैं जाऊंगा वहां, अवश्य जाऊंगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जाने से पहले मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दो। देखिए ये सब हम लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अति आवश्यक है सुनना, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि पहला प्रश्न है कि तुम गांव में जाओ और गांव के लोग तुम्हें पहचान कर गालियां निकाले तो तुम क्या करोगे, क्योंकि उस गांव में तो तुमने बहुत लोगों को मारा है, पीटा है, कत्ल किया है, सबका जीवन लिया है। तो उसी गांव में तुम वापस जाओगे और लोग तुम्हें पहचान कर गालियां देंगे तो तुम क्या करोगे। तब देखिए अहिंसक का जवाब। तब अहिंसक कहते हैं कि अगर वो मुझे गालियां देते हैं तो मैं यही सोचूंगा कि कितने अच्छे लोग हैं, मुझे मार नहीं रहे, मेरे कर्म कैसे थे, मेरे कर्म कैसे थे, मैंने इनके घर के प्राणियों को मारा, हत्या किया, पर ये तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो सिर्फ गाली दे रही हैं। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि दूसरा प्रश्न उनका होता है कि अगर वो तुम्हें लाठी और डंडे से मारे तब तुम क्या करोगे, तब तुम्हारी मनोस्थिति क्या होगी। तब अहिंसक कहते हैं कि गुरुदेव, अगर वो लोग मुझे डंडे लाठियों से मारेंगे तो मैं सोचूंगा कि ये लोग कितने दयाबान हैं, शरीर को ही मार रहे हैं, मुझे जान से तो मार ही नहीं सकते, ये कितने दयाबान हैं। तब बुद्ध भगवान अंतिम प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि अब ये मेरा अंतिम और तीसरा प्रश्न है कि अगर वे गांव के लोग तुम्हें जान से मार दें तब तुम्हारा चित्त क्या सोचेगा, तब तुम्हारी मनोदशा क्या होगी। तब अहिंसक कहता है, हे बुद्ध देव, अगर वे मुझे जान से मार देंगे तो मैं उनके प्रति अनुग्रहित होऊंगा, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि आपका भिक्षु रहते हुए, साधना करते हुए यह शरीर मर रहा है, जिंदा रहता तो ना जाने कितने पुराने पुराने संस्कार जीवित हो जाते और हो सकता है कि फिर से मैं कठोर और क्रूर हो जाता, कितनी सारी गलतियां हो जाती। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा, बहुत अनुग्रहित हो जाऊंगा कि वो लोग मुझे इस कुकृत्यों और गलतियों को करने से बचा सकेंगे और मेरा शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। जिंदा रहता तो पता नहीं क्या क्या भूल और गलतियां कर देता, शरीर ही तो मर रहा है, शरीर को तो एक दिन मरना ही है, इस शरीर को जाने पर मुझे क्या शोक और क्या दुख होगा, ऐसे वो अहिंसक जवाब देता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब तुम जाओ, अब मैं तुम्हारा मनोस्थिति देखना चाहता था कि तुम्हारी मनोस्थिति क्या है। अब ये तो थियोरेटिकल था, ये तो भगवान बुद्ध को उसने जवाब दिया, अब उनके साथ प्रैक्टिकल भी होता है, अहिंसक के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। ये तो थियोरेटिकल एग्जाम में पास हो गए, अब प्रैक्टिकल एग्जाम आता है जो हम सभी के जीवन में आता है, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल। हम थियोरी बड़े पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम तो बड़े ध्यानी हैं, हम तो बड़े ज्ञानवान हैं, इतना ज्ञान हर दिन सुनते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में प्रैक्टिकल एग्जाम आता है वहीं से वहीं पर हम धराशायी होकर गिर पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि गिर पड़े तो आप हिम्मत हार जाओ, फिर से उठो और फिर हिम्मत करो, और प्रैक्टिकल एग्जाम जब तक आप पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम पास नहीं करोगे तब तक आप भगवत प्रिय नहीं, भगवान के ये दृष्टि में प्रिय नहीं बनोगे। प्रिय उसी दिन बनोगे जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम भी आप पास कर लोगे। तो महात्मा बुद्ध भेजते हैं उनको और अहिंसक जाता है
दो चार दिन जो गांव था, अगल बगल का गांव था, वहां भी रुकता है, भिक्षा मांगता है और सत्संग करता है। फिर वो उसी गांव में पहुंचता है जिस गांव में उसने बहुत सारे कत्ल किए थे। अब यहाँ पर इस गांव में अहिंसक पहुंचता है तो लोग इनको पहचान लेते हैं कि अरे ये तो वही अंगुली माल है जो इतने लोगों को मारा था। फिर वो लोग को इकट्ठा करते हैं और अहिंसक को पत्थरों से, लाठियों से मारने लग जाते हैं। और पहले तो गालियां देते हैं, फिर मारने लग जाते हैं। मारते मारते इतना मारते हैं कि वो उनको लगता है कि ये मृत हो गया, मर गया, और उसको छोड़ देते हैं उसी स्थिति में। फिर वो देख, पीछे पीछे भगवान बुद्ध भी वहां पे आ रहे होते हैं, लेकिन इस बात का किसी को खबर नहीं होता। जब वो बिल्कुल लहू से लथपथ अहिंसक वहां लेटा रहता है तो भगवान बुद्ध आते हैं, उसके पास बैठते हैं और उसका सर अपने गोद में रखते हैं और कहते हैं कि कहो अहिंसक, अब चित्त की स्थिति कैसी है? अब बताओ कि तुम्हारे चित्त की स्थिति कैसी है? आने के पहले तो सिर्फ थ्योरी था, सिर्फ बातें हो रही थी, वो काल्पनिक स्थितियां थी जो वो मन में विचार कर रहा था। अब असली स्थिति सामने आ गई, प्रैक्टिकल सामने आ गया। तो कहते हैं अब तुम्हारे चित्त की हालत क्या है अहिंसक, बताओ। तो अहिंसक कहते हैं कि बुद्ध देव, मेरा चित्त शांत है। हे करुणाशील बुद्ध देव, इन अंतिम सांसों को मैं आपके चरणों में छोड़ रहा हूं। मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली जानता हूँ। यह मृत्यु मुझे बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। शरीर की पीड़ा और शरीर के जख्म, जिन्होंने मुझे मारा, जिन्होंने इस शरीर को जख्मी किया, उनके प्रति कोई दोष, कोई क्रोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है मेरे भीतर। आप पहले से सब कुछ जानते थे, इसीलिए आप इस क्षण मेरे पास मौजूद हैं। तो यह भी तो हो सकता था कि अकेले अकेले मैं पीड़ा सहते सहते अपने प्राण त्याग देता, लेकिन आपकी गोद में मेरा प्राण छूट रहा है तो मेरा मेरा चित्त परम विश्रांति में है, परम आनंद में है। मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हो रही और तनिक भी उन लोगों के प्रति द्वेष राग है ही नहीं, तनिक भी नहीं है। तो इसको भगवान कहते हैं कि इस तरह के व्यक्ति का हो, मतलब इस तरह के व्यक्ति के भीतर जो क्षमा है, इस तरह होता है क्षमावान होना, दयाशील होना, करुणाशील होना, स्वार्थ ना होना, सबके लिए मैत्रीपूर्ण होना। ये जो स्थिति उदाहरण देकर हमने मैंने समझाया, इस स्थिति को दर्शाते हुए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार होता है। सबके लिए मन में मैत्री होना, किसी के लिए भी मन में तनिक भी द्वेष नहीं होना, किसी के लिए भी मन में थोड़ा भी क्रोध नहीं होना, किसी के लिए मन में कोई मैल नहीं होना। जिन्होंने सताया है, जिन्होंने दुख दिया है, उनके लिए भी तनिक भी कुछ भी भाव नहीं होना, ना तो द्वेष का, ना ही द्वेष का भाव होना, ना ही ईर्ष्या का, कोई राग द्वेष नहीं होना। इस प्रकार का भक्त मुझे बहुत प्रिय है, जो इस प्रकार सर्वस्व समर्पण करके मेरे ऊपर मन बुद्धि सब कुछ शरीर को अपने मेरे ऊपर समर्पित कर दिया है। तो आई थिंक मैं इस श्लोक को अच्छे से समझा पाई। अब हम 15वां श्लोक पे चलेंगे यस अनुराधा जी। मैम, यस मैम। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वैगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। ओके, थैंक यू अनुराधा जी। यस्मानो द्विजते लोक, यस्मानो द्विजते लोको लोको नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयो द्वैगैर मुक्तो यश्च चमे प्रियः। अब इसमें यस्मात् मतलब होता है जिससे, द्विजते मतलब उद्विग्न होता है, लोकात मतलब संसार,
हर्षा मर्ष भयो द्वैगैर, मतलब हर्ष क्रोध भय और उत्सुकता से, मुक्ता मतलब मुक्त, मे मतलब मुझे, प्रियः, प्रियः मतलब प्रिय। अब इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिसमें कोई भी, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अब यहाँ पे हर्ष का मतलब प्रसन्नता, जिसको जो ना तो प्रसन्नता आने पे या फिर मन की प्रफुल्लित अवस्था, रोमांचित अवस्था, ये होता है हर्ष का मतलब। और अमर्ष का मतलब होता है क्रोध, क्रोध और ईर्ष्या का जो मिश्रित भाव है उसको अमर्ष कहते हैं। और उद्वेग मतलब उत्सुकता, चिंता, दुख, व्याकुलता। अब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी अथवा जो भक्त है, वो भक्त किसी प्राणी को मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है। वह सभी जीवों को अभय और सुरक्षा प्रदान करता है, किसी जीव को भय नहीं देता, हर जीव को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो छोटी चींटी ही क्यों ना हो, वो भी तो एक जीव है। हर जीव को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, कोई उसको भय नहीं देता, इसलिए उससे किसी को भय नहीं होता, उससे किसी को डर नहीं होता, क्योंकि वो किसी को कुछ हानि नु पहुंचा ही नहीं सकता, दुख दे ही नहीं सकता। ज्ञानी यह अनुभव करता है कि संसार उसका शरीर है, उसका अपना ही आत्म तत्व है, क्योंकि ज्ञानी इस बात को जानता है कि शरीर संसार ही उसका अपना तत्व है, आत्म तत्व है, और संसार उसका शरीर है और उसका ही अपना आत्म तत्व है। वो संसार, पूरे संसार में अपने को ही देखता है कि सब जगह मैं ही तो हूँ, पेड़ों में भी मैं हूँ, चींटी में भी मैं हूँ, हाथी में भी मैं हूँ, हर जगह मैं ही विराजमान हूँ, तो मैं किसको कष्ट दूँ, किससे राग द्वेष करूँ, कौन अपना कौन पराया। जैसे मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो जगत में प्यार सभी से, कोई नहीं पराया है। जो इस भाव में रहता है कि मुझ में भी वही राम, तुझ में भी वही राम, सब में राम ही राम, सब में राम समाया है, कर लो जगत में प्रेम सभी से, कोई नहीं पराया है। जो इस भाव में रहता है वैसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर वह संसार से भयभीत कैसे हो सकता है, वैसा वो संसार से भयभीत भी नहीं होता, वह और ना ही वो तो वो किसी को कष्ट पहुंचा सकता है, क्योंकि सब में वो अपने को ही देख रहा है, और ना ही वो दूसरों के शब्दों और कर्मों से दुखी होता है, वो दूसरों के शब्दों से भी दुखी नहीं होता और दूसरों के कर्म से भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि इसके भीतर तो मैं ही हूँ। अगर इसने मुझे कुछ बोल भी दिया तो मैंने ही तो अपने आप को बोला, उसने कुछ बुरा कुछ मेरे लिए गलत कर भी दिया तो मैंने ही तो उसके द्वारा किया, तो इस प्रकार वह दूसरे के शब्दों और कर्मों से भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार का भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा भक्त और ज्ञानी होता है और वो मुझे प्रिय होता है। तो अब हम 16वां श्लोक लेंगे अनुराधा जी। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। थैंक यू अनुराधा जी। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त शमे प्रियः। अब अनपेक्ष मतलब इच्छा, मुक्त मुक्त मतलब इच्छा मुक्त, अनपेक्ष मतलब इच्छा मुक्त,
शुचि है, शुचि मतलब पवित्र शुद्ध, दक्ष मतलब कुशल, उदासीन मतलब पक्षपात रहित, गत व्यथा मतलब दुख रहित, सर्वारंभ परित्यागी मतलब सब आरंभों का त्याग करने वाला, मत भक्त भक्त मेरा भक्त, मे मतलब मुझे, प्रिय मतलब प्रिय है। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर अर्थात जिस काम के लिए आया है उसको पूरा कर लिया है, पक्षपात से रहित, दुखों से छुटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझको सदैव प्रिय होता है। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं कि जो आकांक्षा से रहित है, जो आशा रहित है, किसी से आशा नहीं करता, कोई आकांक्षा नहीं रहता, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। अब जैसे हम लोगों को दुख कौन देता है, हमें लगता है कि हम थोड़ा भी दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि, एक मिनट, तो हमें लगता है कि ईश्वर दुख दे रहे हैं, लेकिन कोई ईश्वर दुख नहीं देते, हमारी ही आकांक्षा और आशाएं दुख देती है। हम किसी से आशा लगा लेते हैं और जब वो आशा पूरी नहीं होती तो हमें दुख की अनुभूति होती है। बहुत सारे इच्छाओं को अपने अंदर समा लेते, प्लान योजना बना लेते हैं, हमारे दिमाग में एक से एक योजना ऐसी होती है जो लगता है ये पूरी हो जाए, इसके बाद ये हो जाए, इसके बाद ये हो जाए, तो हम क्या करते हैं, अपने मन में एक स्वप्न बना लेते हैं, एक स्वप्न का एक योजना तैयार कर लेते हैं और जब वो पूरा नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। तो भक्त का मतलब भक्त कौन है, जो आकांक्षा से रहित है। यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि भक्त कौन है, जो आकांक्षा से रहित है, जो जिसमें शुचिता है, शुचिता मतलब शुद्धता, जो भीतर से बाहर से शुद्ध है। अब यहाँ पर आएगा कि बाहर से शुद्धता का मतलब क्या हुआ, तो बाहर से शुद्धता का अर्थ है स्नान करना, हर दिन पवित्र शरीर को, क्योंकि ये शरीर क्या है, हमारा देह मंदिर है, इस मंदिर में भगवान रहते हैं, तो इस शरीर को स्वच्छ रखना, स्नान करना, इसको स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो स्वच्छ रखना, शरीर को स्नान करना, इसको अच्छे स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनाना, गंदे संदे नहीं, धुले हुए वस्त्र पहनाना, ये बाहर का शौच है, मतलब स्वच्छता है, बाहर की स्वच्छता, बाहर से भी हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना है। और अंदर की शुद्धता का अर्थ है कि मन को मैला नहीं होने देना। अब मन की मैल क्या है, राग और द्वेष, भीतर और बाहर दोनों से शुद्धता रखे ऐसा भक्त, भीतर भी शुद्ध और बाहर भी शुद्धता होनी चाहिए, बाहर भी हर दिन स्नान और अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ये शरीर हमारा देह मंदिर है, इसको हमने मंदिर बनाया है, तो मंदिर बनाया है नहीं, मंदिर है, तो इसका हमें ख्याल रखना, इसको स्वच्छ रखना हमारा पहला कर्तव्य है। तो भगवान कहते हैं कि और भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन है भक्त, तो कहते हैं जो दक्ष है। अब दक्ष किसको कहते हैं, दक्ष मतलब जो होशियार है, जो चतुर है। अब हमारे अंदर समाज में ये मान्यता है, हम किसको चतुर समझते हैं, जो व्यक्ति बहुत सारे पैसा कमा ले उसको हम कहते हैं कि बहुत होशियार है, अरे उसने तो इतने घर बना लिए, इतने महल बना लिए, हो जाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये बहुत होशियार है, होशियार व्यक्ति है। अगर बहुत बड़े उद्योगपति बन जाए, राजनेता हो जाए, तो हमें लगता है कि ये बहुत होशियार है, अपने काम में बहुत लाजवाब इंसान है, उनके पास इतना कुछ है, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, कितना होशियार है। भगवान कहते हैं ये होशियारी तुम्हारी किसी काम की नहीं आने वाली, ये मिट्टी है, कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लो, मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगा, ये मिट्टी ही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस होशियारी को होशियारी नहीं कहते, देखिए गीता में भी कितना सुंदर लिखा है कि इस होशियारी को होशियारी नहीं कहते, दक्षता किसको कहते हैं,
इस मानव जन्म में जो करने आए हो, अगर आपने वो काम नहीं किया तो आप दक्ष नहीं हो, होशियार नहीं हो। इस मानव जन्म में आप क्या करने आए हो? मुक्ति पाने आए हो, माया का क्षय करने आए हो, अपने आप को जानने आए हो कि मैं कौन हूँ, अपना बोध करने आए हो, अपने परमानंद में विश्रांति पाने आए हो, और आप इस बात को भूलकर क्या कर रहे हो? आप उससे निकलो, भगवान जगा रहे हैं कि आप उससे निकलो, याद दिला रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप गीता पढ़ो, गीता में कितना सुंदर ज्ञान है। तभी पत्रीशर ने भी बोला, उन्होंने भी भगवत गीता लिखा है और सारे श्लोक में आत्मा और परमात्मा की ही बातें हैं। चाहे आप कितना भी फैक्ट्री बना लो, मिल बना लो, दौलत बहुत जमा कर लो, देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, अंतरराष्ट्रीय देशों में प्रसिद्धि मिल जाए, यह नाम, यह दाम, यह अस यश सब कुछ बदलने वाला है। और बदलने वाली चीजों को प्राप्त करके जो अभिमान कर रहे हो, वो तुम बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। जो लोग भी इन चीजों को प्राप्त करके अभिमान कर रहे हैं, वे मूर्ख है महा। निकलते हैं ऐसे, साबुन पानी का घोल होता है उसमें ऐसे फूंकता है तो छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपस में बच्चे प्रतियोगिता करते हैं कि देखो मेरा बुलबुला हमने फूका, तेज फूक मारा तो बुलबुला कितना बड़ा निकला, देखो तेरा कितना छोटा है। इस तरह से बच्चे खेलते हैं। बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं तो कहते हैं देख मेरी पतंग सबसे ऊंची गई। बच्चे खेल खेल रहे होते हैं, लेकिन एक बच्चे की पतंग बहुत ऊंची चली भी जाती है, फिर क्या होता है, दूसरा बच्चा उसकी पतंग को काट देता है, उसका ऊंचा गिर गया हुआ पतंग धराशायी हो जाता है। अब इसी तरह के बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं ऊपर ऊंचाई में देखते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो इनके अंदर इच्छा पैदा होती है मेरी इमारत सबसे ऊंची हो, मेरा साम्राज्य सबसे ऊंचा हो, और वो देखते रहते हैं दूसरे के पास इतनी बड़ी कार है, दूसरे के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके पास चार, देखो कौन सा पद प्राप्त कर लिया, देखो उनका पुत्र कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमारे समाज में यही तो हो रहा है, हम इसी को तो उन्नति कहते हैं कि उसने उन्नति प्राप्त कर ली, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि उसकी आत्मा की उन्नति कहाँ हुई, कहाँ पहुंची है, कभी ये नहीं देखते कि उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ है। इसलिए मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि जब से मैं ध्यान मार्ग में आई हूँ, पत्रीसर को कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरे अंदर ये भाव अब कभी नहीं आता, कभी उत्पन्न नहीं होता, और भौतिकता जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक रास्ते पे मोड़ा। इसी कारण शायद उस बच्चे का भी सोल प्लान होगा कि उसको इस तरह के माता पिता मिले कि उसको सांसारिकता से मोड़ करके भीतर की तरफ अग्रसर करें। तो मैं उसको इसी तरह का ज्ञान देने का पूरा प्रयास करती हूँ कि वो अपने आत्मोन्नति करे। और मैं उसको जब भी आशीर्वाद देती हूँ, आशीर्वाद तो वैसे हम देने वाले कोई होते नहीं है, लेकिन जब भी लौकिक भाषा में वो, जब लौकिकता में वो मेरा पैर छूता है तो मेरे मुंह से यही निकलता है कि आत्मज्ञानी भवा। तो हमेशा मैं यही बोलती हूँ ताकि वो अपने आत्मा का दर्शन कर सके, परमात्मा प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो काम करने आए हैं उस काम को कर लिया, अपने अंदर बैठे उस गुप्त को प्रकट कर लिया, तो यह सबसे बड़ी होशियारी है, यह सबसे बड़ी दक्षता है। तो ऐसा भक्त बहुत मुझे प्रिय है। मेरा भक्त है। और एक बहुत ही सुंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं कि वैसा भक्त जो अपने मन में विचारों को आरंभ होने ही नहीं दे। हमारे मन में जो विचार चलते रहते हैं, कल को ये करूंगा, कल अभी इतने पैसे जोड़ लेता हूँ, अब ना यहाँ पे घर बनाऊंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें ये चीजें होंगी, इस तरह की जो सपना, जो विचार चलते रहते हैं, कहते हैं कि जो अपने मन में विचारों को प्रारंभ ही होने नहीं दे, क्या होता है, पहले विचार उठता है कि एक घर होना चाहिए, फिर हम उसके लिए योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। विचार उठता है, उसके बाद कर्म होता है। तो जब विचार उठते हैं तो इन विचारों के साथ उसकी छाया भी चली आती है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं, पता नहीं क्या होगा।
कैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे जब जाते हैं परीक्षा देने के लिए तो पहले वो मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे अच्छे नंबर आए, हम अव्वल नंबर से पास हो जाएं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक भय होता है कि कहीं मम्मी पापा डांटेंगे अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो मेरे अंदर भी छोटे में होता था कहीं डांट पड़ेगी अच्छे नंबर। किसी स्वार्थ या ममता को आरंभ होने ही नहीं देना, अपने चित्त में किसी आकांक्षा को जगने ही नहीं देना। और ये तभी हो सकता है जब हमारा मन हमेशा हमारे मन पे लगा रहे कि मन क्या सोचता है। अपने मन के प्रति जागरूक होना, यही तो है माइंडफुलनेस। इसमें भी माइंडफुलनेस की बात कही गई है। जब जब गुस्सा आए तब तक गुस्से पे, उस समय गुस्से पे विचार करें कि ये गुस्सा मुझे क्यों आया। कहीं मेरे अंदर आकांक्षा तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर स्वार्थ तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर ममता तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर द्वेष की भावना तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर राग तो नहीं है। इन्हीं बीजों से दुख के फल निकलते हैं। तो इन बीजों को देखना है कि ये बीज में अगर आप इन बीजों को डाल दोगे तो यही फिर पेड़ बन के फिर आपको फल देने लगेगा। तो इन बीजों को डालना ही नहीं है, इन बीजों को दूर करना है। ये बीज आपके हैं तो निकाल के बाहर फेंक डालो। ध्यान उसी समय लंबी गहरी श्वास लो और इसको निकाल के अपने भीतर से बाहर फेंको। आकांक्षा, स्वार्थ, इच्छा, ये ऐसे बीज हैं जिनको एक बार अपने मन में बो दिया फिर ये पेड़ जरूर बनेंगे ही बनेंगे। तो आकांक्षा को, स्वार्थ को और इच्छा जैसे बीज को निकाल कर बाहर फेंक देना है। जब ये पेड़ बनेंगे तो ये फल भी जरूर देंगे, क्योंकि ये मायावी पेड़ हैं। इन पेड़ों को उगने में बिल्कुल समय नहीं लगता और फल देने में भी समय नहीं लगता। फिर हमें दुख की अनुभूति होती है। जो भक्त का गुण है वो भक्त के गुण पे काम कीजिए, अपना मन चिंतन कीजिए, विचारशील बनिए। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो इसकी जो आखिरी का जो प्रेयर होता है वो कर लें। तो हाँ जी, वो ले लेते हैं। अनम्यूट कर दीजिए सबको मैम, प्लीज। योगी संसचिदानंदम वासुदेवं व्रज धर्म प्रियं संस्थापक कौमेयं गंभीरं विष्णो वंदे जगद् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। वन्दे थैंक यू मैम। थैंक यू अर्चना मैम, बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच मैम।